भाई यही है ना वो। हाँ यही आती है। दोस्तों ये एक लड़की है जो तीन चार बार आ चुकी है इस दुकान पे, पेमेंट करती है लेकिन पेमेंट रिसीव होता नहीं है इनको। भैया काफी परेशान थे, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया है। देखिए ये पेमेंट कैसे करती है, रिसीव क्यों नहीं होता है। जो भी लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए काफी जरूरी है। ध्यान से देखिए और सावधान सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपका भी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट क्यों खतरनाक है और क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए इसको तो आज रंगे हाथों पकड़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे ये स्कैम कैसे होता। पता नहीं यार ये कितने दुकान वाले को लूटती होगी, हमेशा आती रहती है ना यहाँ पे। हाँ रुको, आज इसी से पूछेंगे। पेमेंट करती है, आता नहीं। पेमेंट कर दी भाई, आना बाहर, आना बाहर, आना। हेलो 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 हेलो, मैडम दिखाना कितने का पेमेंट किया। 1250 का पेमेंट। ये देखिए दोस्तों 1250। भैया एक बार चेक करना आप, बट आप कैमरा क्यों निकाले हो? कैमरा कुछ नहीं, यहाँ काफी लेन देन होता रहता है ना, इसलिए खरीदारी के लिए। पॉलिथीन में डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार ही चेक करना पेमेंट रिसीव हो गया है। पेमेंट किए हैं 1250 का। दिखाना एक बार अच्छे से, दिखाना मैसेज दिखाइए आप एक बार। नेटवर्क इशू? ओके ओके, क्या क्या इशू है? जी जी बिल्कुल, अभी क्या क्या इशू होगा अभी सामने दिख जाएगा। ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज? ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। भैया एक मिनट, ये मोबाइल पकड़ना आप। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी आपने बहुत पहले भी किए थे आप, वो भी मैसेज नहीं आया तो बैंक में। इनका कहना है तीन चार बार पेमेंट कर चुकी हो, इनके दुकान से खरीदारी कर चुकी हो लेकिन एक भी पेमेंट आया नहीं है। एक तो मिनट मैडम, आप मोबाइल बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार जा करके। बैंक स्टेटमेंट वो मैसेज आता है ना इसमें, तो होता है बैंक का इशू होता है। अभी मेरा भी नहीं कटा है। एक बार सामने रहिए, अभी 1250 रुपए आपने किया ना, फोन नहीं हटेगा मैडम। फोन आप लोग निकाल लेते हो भाई। सामने रहिए, आप सामने रहिए। तीन से चार बार आपने पेमेंट किया है इनको और इनका कहना है भैया एक भी पेमेंट नहीं आया है ना अभी। एक बार भी पेमेंट नहीं आया और मुझे पता है कि ये सरासर स्कैम है, फ्रॉड है। अब आप करती कैसे हो? कैसे आपको पता ये फ्रॉड है? ये दुनिया में तब चल रहा है, यही सब चल रहा है। बट ये फ्रॉड नहीं ना, आप देखो ना पेटीएम है ये। पेटीएम है ये? हाँ। ओके, आप एक बार इसको बैक करना, आप नाम भी देख लो, नाम भी तो आ गया सिट एंड साइन। हाँ हाँ, ये वाला आ गया ना। आपने स्कैन करके पे क्यों नहीं किया? एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है फोन का। अच्छा कैमरा खराब है, ओके ओके, इसलिए मैंने आप एक बार मोबाइल यहाँ रख दो, मोबाइल रख दो, आप मोबाइल रख दो ना। चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम। एक आप मुझे टच क्यों कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं आप। पहले वाला पेमेंट भी नहीं आया आपका, 1600 जो दिए थे पिछला बार। आप एक कम करो, क्या होगा चेक कीजिए, बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए ना। मैसेज नहीं आ रहा है, पेटीएम में आ रहा है वो। मैडम एक काम करो ना, अच्छा कूल डाउन कूल डाउन। मैडम एक काम करो, आप इसको बैक कर लो एक बार। काई को बैक करना एक बार, सॉरी। नहीं नहीं बैक क्यों, मैं अपना फोन आपको दिखाऊं बैक करके? मैं तो टच भी नहीं कर रहा ना आपके फोन। नहीं आप मुझे टच कर रहे थे ना, मुझे वहाँ से हल आए ना। नहीं नहीं आप यहाँ रख दीजिए फोन को, सॉरी ये नहीं करोगे। प्लीज आप ये दिखाइए कि आप ये जादू करती कैसे हो, क्या आप दिखाए? आप दिखाओ, आप इसको बैक करना एक बार। देखो गलती आपने की है, एक्सेप्ट कीजिए। और दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये वीडियो ताकि, ओके ओके सब खराब है, सब पता चल जाएगा। अभी आप थाना जाना पसंद करोगी पुलिस के पास या यहीं पे क्लियर करोगी? नहीं बुला देती ना पुलिस को। आप बुलाओ, नहीं बुला देती, आप बुलाओ, आप बुलाओ। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज हर किसी तक पहुंचे। नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, फोन हटा के बात करो। आप एक बार ही, दो ऑप्शन है आपके पास, पुलिस या फिर आप मामला यही रफा दफा करोगी। जल्दी बताओ, डरने की भी जरूरत नहीं है, आपने सामान लिया है तो आप पेमेंट करो। आप वो ऐप ओपन करो जिससे आपने पेमेंट किया है। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना क्योंकि ऑनलाइन इस जमाने में ये वीडियो हर किसी तक पहुंचना काफी जरूरी है। ओके पेटीएम है ना, आपने पेटीएम से किया था? हाँ, हाँ, हाँ। आपने क्या किया था सही सही दिखा दो, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। फोन छीन करके मैं दिखा दूंगा लोगों को, फोन छीन करके मैं लोगों को दिखा दूंगा। मुझे भी पता है इसके बारे में, सच सच बता दो आपने क्या किया है, उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना पेमेंट करके। किससे? ओके उसे ऐप को खोल के दिखाइए मैडम। हाँ पेमेंट आपने किया क्या है दोस्तों, देखिए ये एक ऐप होता है। यहाँ पे एक मिनट, आप साइड हो जाओ। यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालोगे, जैसे NISHA निशांत डाल दिया, और मैडम ने नाम पहले पूछ लिया था इसलिए सावधानी बरती आप लोग।
स्कैन करते समय नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, फोन नंबर कुछ भी डाल दिया मान लो। एक मिनट मैडम आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, आप फोन छोड़ करके भी भाग रहे हो अपना, फोन भी ज्यादा कीमती है। यहाँ डाला और अमाउंट मान लो 1250 रुपए, टाइमिंग डाल दिया, ये डाल दिया, ये सबमिट किया, ये देखो मैंने भी कर दिया 1250 का पेमेंट। वाह यार ये सब स्कैम फ्रॉड आजकल शोभा नहीं देता, आप लोगों को तो जागरूक करना चाहिए लोगों को। ये देखिए भैया आप लोगों को भी बहुत सतर्क जी निशान से, आप लोगों को काफी सतर्क होकर के दुकानदारी करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कितना लूट जाएगा। तो एक काम कीजिए पिछला ही देखिए कितना हिसाब है, मैडम यहीं खड़े रहो, पिछला कितना हिसाब हुआ था इनका ये देखिए और चुपचाप से आप कैश में पेमेंट करके निकल जाइए। कैश मेरे पास है नहीं तो मुझे एटीएम जाना होगा। कोई ना एटीएम के बहाने भाग जाओगे बहुत अच्छी बात है, यहाँ कार्ड यहाँ मशीन है, एटीएम मशीन भी है, यहाँ पे कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं। सामान लेके नहीं जा रहे ना, तुरंत आ जाइए। नहीं सामान अपने पास जाओगे, पैसे नहीं रोक सकते हैं। मैं नहीं रोक रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछला हिसाब देखने को केस कर दूंगी कि आप लोग मेरे साथ बदतमीजी की दुकान के अंदर। ठीक है ठीक है, वीडियो इसलिए बन रहा है मैडम लोग जाने आजकल क्या चल रहा है इस ऑनलाइन जमाने में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो काफी ज्यादा सतर्क रहने के लिए, ये फ्रॉड है सामने दिख रहा है ना उस ऐप से किया आपने, ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है बताओ। मैं चाहूँ तो अभी 420 का केस कर सकता हूँ आप पे, बट आप तो एक लड़की हो आप लोगों पे कि आप लोग मेरे साथ बदतमीजी। अच्छा मैंने बदतमीजी किया, ओके ओके, ये वीडियो दुनिया देखेगी, सभी लोग देख रहे हैं। भैया हिसाब बताओ टोटल कितना हुआ, आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बकझक नहीं कर रहा, आप कैश में पेमेंट कीजिए, अपना सामान लीजिए और जाइए। आप एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट जाके देखो ना, अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो। अरे मैडम अब सामने क्लियर हो गया कि आपने स्कैन किया है, उसके बाद ही स्टेटमेंट सारा का आता है भैया, एक आरटी का स्लिप नहीं आ रहा है मैसेज। आप एग्जैक्टली और अब तो दुकान में वो भी स्पीकर भी लगा पड़ा है, रिसीव होते के साथ वो खुद बोल देता है। ओके ओके सब कुछ खराब है, आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती की है, पेमेंट कीजिए और चाहिए। कितना हो गया? एटीएम नहीं है, कैश है आपके पास, मुझे पता नहीं है मेरे पास कैश, आपको कैसे पता? मुझे पता है सब पता, आप अभी देंगे कैश। भैया पुलिस को फोन कर लो अभी, कैश तुरंत। 3000 हो रहा है इनका, 3000 हो रहा है जी भैया। ओके चलिए 3000 मिला के, हाँ हाँ बहुत सही बात है मैडम, दीजिए वरना पुलिस। कैश नहीं है, मैं एटीएम से आती हूँ फिर आपको देती हूँ। नहीं नहीं आप चलिए साथ में एटीएम, आप करके जाओ ना मैडम, ज्यादा टाइम जरूरत नहीं है वेस्ट करने की, आप पैसे दीजिए और निकल जाइए इज्जत से, पैसे दीजिए। और अगर सामान ये लेना है तो आप लेकर के जाओ, अभी आपने जो भी कुछ लिया है। अरे मैडम पैसा नहीं है, सब है फ्रॉड तो दो ना आप यार, कितना है? 3000 हो रहे ना, चलो 3000 बहुत अच्छी बात है। देखा बंद बंद करके भाई लोग, ये लोग दुकान में यही सब कर रहे हैं। मुझे काम है तो मैं ये रख रही हूं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में घर जाने के लिए 100 रूपये मैं दे रहा हूँ आपको, घर जाने के लिए 100 रूपये मैं दे रहा हूँ। रखिए मैं दे दूंगी आगे नेक्स्ट टाइम। नहीं तो सामान रख लो ना भैया, आप सामान रख लो। सामान क्यों, मैं तो मैंने पेमेंट कर दिया है। 500 रूपये का सामान निकाल लो आप, सामान निकाल लेंगे। हाँ आप दीजिए भाड़ा के लिए 100 रूपये मैं देता हूँ आपको, चलिए फटाफट दीजिए और निकलिए। और आप कैमरे के सामने एक बात बोल के जाओ कि ऐसा अब किसी के साथ नहीं करोगे, वरना फिर बहुत बुरा होगा। सॉरी आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जाइए बहुत अच्छे से जाइए। भैया यार आप लोग ध्यान रखा करो, ऑनलाइन लेन देन करने वाले लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। सिर्फ स्क्रीनशॉट देखकर के विश्वास न किया कीजिए, रिसीव्ड अमाउंट को अपने फोन में तुरंत से चेक कीजिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। जागरूक रहिए। जय हिंद।